मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो आज है 1 अगस्त और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 4:30 बज रहे हैं सुबह के, और मैं निकल रहा हूँ नासिक। मेरे साथ मेरी मदर और मेरा एक फ्रेंड जा रहा है, और हम लोग नासिक जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव टेम्पल। और 5:30 की अपनी ट्रेन है, तो फटाफट पहले सामान वगैरह सारा अपना पैक ही है, तो फटाफट पहले चलते हैं और मिलता हूँ आपसे रास्ते में। तो जी, ये है नासिक का रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और टैक्सीज मिल जाती हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, और 1 से 1.5 घंटा आपको मंदिर पहुँचने के लिए लगता है। और जो कॉस्टिंग आती है वो 500 से लेके 1000 रुपये तक आती है, और बाकी आप लोग बार्गेनिंग वगैरह कर लेना, आपको जितना सस्ते में हो जाए उतना बेटर है। और अगर आपको और ज़्यादा सस्ता चाहिए और चीप ऑप्शन चाहिए, तो बस का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। बस बस की आप एक बार टाइमिंग जरूर देख के आना, जो मोस्टली मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक चलती हैं, रात में आपको कोई बस वगैरह नहीं मिलेगी, तो वो आप एक बार जरूर चेक करके आना। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नासिक। आज है 2 अगस्त और 1 अगस्त को हमारी दिल्ली से जर्नी स्टार्ट हुई थी नासिक के लिए वाया ट्रेन, और तकरीबन सुबह के 5:30 बजे हम लोग निकले थे नासिक के लिए। और आज 2 बजे का टाइम था हमारे ट्रेन का, लेकिन हमें वही ट्रेन 1 घंटा लेट थी, तो 3 बजे हम लोग नासिक आए हैं। और नासिक में क्यों आए हूँ, नासिक के 2 रीजन है। पहला तो त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, और दूसरा ये कि थोड़ा पूजा वगैरह करानी थी। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप काल सर्प की या फिर काल दोष की पूजा वगैरह अगर करानी हो, तो उसके लिए बेस्ट है पूरे इंडिया में, तो वो चीज पूजा यहाँ पर अच्छे से होती है। तो वो आप एक बार अगर आपकी कुंडली में आपके उसमें काल सर्प या काल दोष हो, तो आप वो पूजा करा सकते हो। तो वो एक चीज है जो मुझे यहाँ पर करानी है। बाकी ये है कि ट्रेन की जर्नी कुछ ज्यादा खास रही थी नहीं अपनी, क्योंकि इतना लंबा रूट मैंने आज से पहले कभी लिया नहीं। मेरी लाइफ में पहली बार था कि मैं इतने लंबे रूट पे जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट हमारी 22 घंटे की जर्नी थी, इसीलिए ट्रेन में कुछ ज्यादा खास दिखाने को था नहीं। और जब से हम यहाँ पर आए नासिक रात से, तब से कंटिन्यू बारिश भी हो रही है, तो बाहर का मौसम भी तो थोड़ा बेकार ही है, वो मैं भी आपको दिखाई दूंगा। बाकी है कि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो फटाफट अभी रेडी हो रहे हैं पूजा के लिए। पहले पूजा वगैरह करते हैं, 2-3 घंटे की पूजा जो भी होगी, उसके बाद में हम लोग यहाँ से त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए निकलेंगे। तो बाहर के मौसम के हालात मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि बाहर कैसा मौसम है। बूंदाबांदी तो अब भी शायद थोड़ी बहुत हो रही है, तो जी नारियल 2-3 गमछा तो हम लोगों ने ले लिए, और बूंदाबांदी अब भी हो रही है। रोड की हालत देखो कैसी हो रही है, और व्यू तो यहाँ से बढ़िया आ रहा है। और ये है अपनी महर्षि वैद्य कुटी जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं, चलते हैं पहले। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये आ रही है कि धोती पहनूं कैसे, इतनी लंबी धोती हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा। तेरे को आता पंडित को बुला ला एक बार, जा नंगा जाऊं क्या वो, जा भाई जा। कैसे भी बंदी है बांध ली है, अब इससे ज्यादा आती नहीं है बांधनी। ये भी हमारे शुभम भाई ने बांधी है। बारिश फिर चालू हो गई है, तो देखते हैं पहले फटाफट पहले पूजा हो जाए। पूजा तो फ्री होते हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा अभी तो, बाहर इतनी कीचड़ है, इतना बुरा हाल है, सड़कें तो यहाँ की बिल्कुल खराब है। तो अब देखते हैं पहले पूजा से फ्री होते हैं, उसके बाद में मंदिर के ले जाएंगे। तो जी पूजा वगैरह भी सब हो गई डन, और अभी निकल रहे हम लोग त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बारिश भी कभी हो रही है कभी रुक रही है, तो पहले चल के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होगी। 12:30 को है, 3:30 को है, जो डायरेक्ट करना होगा से लगे को टिकट वाली एंट्री करनी है, तो वो 200 रुपये की टिकट है, तो वो यहाँ से हो रही है, और अदरवाइज अगर फ्री है तो वो फिर उस तरफ है, वहाँ थोड़ी भीड़ ज़्यादा रश ज़्यादा है। टीका वीका भी सब लगवा लिया है मम्मी ने ज़बरदस्ती करके, तो टिकट ले ली है, 200 रुपये की टिकट है पर पर्सन, 3 टिकट ली है हम लोगों ने। और सामने है मंदिर का एंट्रेंस, तो चलते हैं पहले दर्शन वगैरह कर लेते हैं। मंदिर बड़ा प्यारा लग रहा है यार, ब्लैक पत्थर का देखो क्या व्यू आ रहा है।
ऊपर पूजा वगैरह हो रही है। सामने है त्रिम्बकेश्वर का शिवलिंग। शिवलिंग के अंदर तीन भगवान के शिवलिंग है, ब्रह्मा विष्णु महेश के। पूरा काले पत्थरों से बना हुआ है मंदिर। भीड़ अब आनी चालू हुई है और बारिश तो खैर पड़ी रही है सुबह से, कल से जब से आए हैं तब से पड़ी रही है बारिश। दर्शन वगैरह सब हो गए हैं, ज़्यादा तो रुकने देते नहीं है। मतलब यहाँ पर तो और मंदिरों से भी बुरा हाल है। अगर आप शिवलिंग के दर्शन के लिए जाएं तो बस एक नज़र ही पड़ती है, क्योंकि 2 सेकंड भी ये लोग रुकने नहीं देते। हाँ जो भी है, ठीक ठाक हुए दर्शन। भीड़ ज़्यादा मिली नहीं जितना लोग बोल लेते हैं। एक्सपेक्ट था मुझे कि ज़्यादा भीड़ मिलेगी, 2-3 घंटे लगेंगे, पर यह थोड़ा जल्दी फ्री हो गए। वो सब चलते हैं आगे। बाकी यह है कि मंदिर के बारे में बता दूँ तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आता है मंदिर। और यहाँ जो शिवलिंग की पूजा होती है उसके अंदर 3 शिवलिंग है, एक है ब्रह्मा का, एक है विष्णु का, एक है महेश का। तो इसीलिए ये इकलौता ही शिवलिंग ऐसा है 12 ज्योतिर्लिंगों में से जिसमें 3 त्रिदेवों के शिवलिंग है, तो इसकी यही मान्यता है। चलो अभी चलने का टाइम हो गया है, और बाकी एक बार शिवलिंग दिखा देता हूँ जो यहाँ बाहर है, जिसको देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो मैं बता रहा था त्रिदेवों की, उसके अंदर शिवलिंग है। तो एक बार वो भी दिखा देता हूँ। ये है वो शिवलिंग जिसके अंदर 3 मूर्तियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो पहले हम लोग अभी जा रहे हैं कुशावर्त तीर्थ, गोदावरी नदी वहीं से निकल ली है। तो देखते हैं, हमारे भाई ने बताया, शुभम ने, तो पहले वहाँ चल लेते हैं, उसके बाद में पंचवटी चलेंगे एंड देन उसके बाद में हम लोग निकलेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं अंबिका भोजनालय में भोजन करने, ठीक है, अब सही बोला ना। तो अगर कोई भी आना चाहे, बढ़िया खाना मिलता है। अभी तक खाया तो है नहीं, शुभम बता रहा है, पहले खाना आने तो खाते हैं उसके बाद में फिर बताते हैं। ये थाली है अपनी, 4 तरह की सब्जी है, रोटी है, पापड़ है, और ये वो पहाड़ी जो है, वहाँ पर जो पहाड़ी है वहाँ पर कहीं हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ जाना तो पॉसिबल है नहीं, तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पर इनकी पूजा वगैरह होती है। तो ये मंदिर हनुमान जी का, पहले दर्शन कर लेते हैं। तो जी ये पंचवटी, यहाँ मान्यता है कि बताते हैं कि श्री राम जी ने यहाँ पर वनवास काटा था। तो यहाँ पर भी एक कुंड है, यहाँ लोग स्नान करते हैं। तो जी पंचवटी में भी हाथ में बोली है, स्नान तो करानी है। और अभी टाइम हो रहा है 2:10 हो रहे हैं। पीछे भी एक मंदिर है कपालेश्वर करके, तो वहाँ भी वह चल के देख लेते हैं, जितना जल्दी हो फिर यहाँ से शिरडी के लिए निकलते हैं। श्री कपालेश्वर देवस्थान, ये भी मंदिर है, जस्ट इसके सामने ही है गोदावरी नदी के। तो एक बार इधर भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि मंदिर में जितना भी दान आता है पर डे के हिसाब से, तो लोगों ने लिखा हुआ है दान पात्र, दान पेटी द्वारा, QR कोड द्वारा, ये सब चीज़ है, मतलब सही चीज़ है।
तो जी फाइनली शिरडी के लिए बस में बैठ गए और अभी टाइम हो रहा है 3:40, तो तकरीबन 2.5 घंटे लगेंगे शिरडी पहुंचने में। पहुंच गए हैं शिरडी और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 7 बज रहे हैं। हाँ इधर रख दो। और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 7 बज रहे हैं, बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे लगे हमें शिरडी आने के लिए। जाम वगैरह ज़्यादा था नहीं, बस भी मतलब सही थी, कंफर्टेबल स्लीपर मिल गई हमें। अब दर्शन के लिए चलते हैं, प्रसाद वगैरह जो होगा वो ले लेते हैं, क्योंकि होटल भी अपने को ठीक मिल गई। इधर शायद है मंदिर उस तरफ, और अपना जो होटल है वो इस रोड पे आगे जाके है। अपना होटल इस होटल के पीछे है। ये है कि फ्रंट पे आपको थोड़ा महंगे होटल मिलेंगे और आप थोड़ा उस तरफ जाओगे तो वहाँ थोड़ा सस्ते होटल मिल जाएंगे। तो आप लोग देख लेना आपके बजट के हिसाब से कौन सा होटल आपके लिए फिट बैठ रहा है। बाकी मार्केट तो पूरी है ही, प्रसाद कहीं से भी ले सकते हो। शायद आगे मेन मार्केट है, वो भी देखेंगे जाके। और हाँ एक ज़रूरी बात, अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हो और अगर आप वीकडे में आओगे तो थोड़ी भीड़ भाड़ कम मिलेगी। अगर वीकेंड पे आओगे स्पेशली सैटरडे संडे तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी। और वीरवार एक वीरवार साईं बाबा का दिन होता तो उस दिन में आपको भीड़ भाड़ ज़्यादा मिलेगी। तो आप लोग देख लेना, क्योंकि आज है फ्राइडे तो हम लोग क्योंकि टाइम से आ गए हैं तो सोचा पहले दर्शन लेते हैं। इधर ही जमा हो जाएगा मोबाइल, कोई बात नहीं मोबाइल जमा कर देंगे। चलो भाई साईं बाबा के तो दर्शन हो गए हैं, क्योंकि फ़ोन वगैरह अलाउड था नहीं ले जाना, तो दर्शन वगैरह सब हो गए हैं। अभी टाइम बज रहे हैं, अभी अब पहले चल रहे हैं। चार्ज वगैरह जहाँ से लिया था उन्हीं के पास अपने जूते चप्पल जमाए, बाकी आप लोग यहाँ भी करा सकते हो। पर आप फ़ोन स्ट्रिक्टली बैन है, फ़ोन और कैमरा, तो वो ले जा नहीं सकते आप। बाकी अब चलते हैं, कुछ खाने पीने का देखते हैं, उसके बाद में ये दिन को एंड करते हैं। तो जी डिनर वगैरह भी सब कर लिया है और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11 बजने वाले हैं। और मंदिर में ये है कि आखिरी आरती जो है 10 बजे करीब होती है। तो अभी क्या है, मार्केट चल रही है, सब चीज़ ओपन है, शॉप वगैरह सारे, रेस्टोरेंट वगैरह। बाकी इस वीडियो को भी एंड करने का टाइम आ गया है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।